25 मई 2023 को एक अजीबोगरीब बछड़े का जन्म होता है। और बता दें कि उस बछड़े के यानी कि डबल नाक है, डबल मुंह है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो चार नेत्र हैं। दो नेत्र हैं वो बिल्कुल ठीक मथे पर है। भगवान शिव की जो सवारी हुआ करती थी वो नंदी की हुआ करती थी, और नंदी भगवान शिव की सवारी ही नहीं साथ ही माँ पार्वती के रक्षक हुआ करते थे। और ठीक उसी तरह से, और बता दें कि बछड़े का जन्म हुआ है, बछड़े के चार नेत्र हैं। वहीं पर अगर ये जो बछड़ा जन्म लिया है अगर ये फीमेल होती तो लोगों की आस्थाएं, लोगों की भावनाएं इतनी ज़्यादा ना जुड़ती, लेकिन बिल्कुल ठीक बछड़े को जन्म दिया है गाय ने। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी कौतूहल बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे निरंतर लोगों की जो चहलकदमी, लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आज की यात्रा के नए ब्लॉग में। और बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जलालपुर भर्ती गाँव में मौजूद हैं, और आज हम आप लोगों को कुदरत का एक अजीबो गरीब करिश्मा दिखाने वाले हैं। बता दें कि यहाँ पर एक गौ माता ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जो बिल्कुल अजीबो गरीब है। बता दें कि उस बछड़े के चार नेत्र हैं और दो मुंह हैं, दो जीवा है, यानी कि बहुत ही अजीबो गरीब बछड़ा है। और बता दें कि जब से इस बछड़े ने जन्म लिया है तब से दूर दराज से चलकर लोगों की जो चहलकदमी है, लोगों का जो आवागमन है निरंतर इस गांव में बना हुआ है। और बता दें कि दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं पर जब से इस बछड़े का जन्म हुआ है तब से लोग इसको जो है यानी कि ईश्वर के जो सवारी हुआ करते थे नंदी, उनको नंदी का स्वरूप मानते हैं। और इस बात को लेकर लोगों की काफ़ी आस्थाएं, काफ़ी भावनाएं इनसे जुड़ चुकी हैं, और निरंतर लोग बाग यहां पर पूजा अर्चना करते नज़र आ रहे हैं। बता दें कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा अजीबो गरीब करिश्मा नहीं देखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी दो पैर या फिर दो सींग अतिरिक्त हो जाया करती थी या फिर तमाम ऐसे मामले आते, लेकिन आज का जो मामला है वो पूरी तरह से अजीबो गरीब है। यानी कि दो मुँह और चार नेत्र वाला जो बछड़ा है वो अपने आप में एक ही बहुत ही अजीबो गरीब कुदरत का करिश्मा है। वहीं पर लोगों की जो आस्थाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं इनको ईश्वरीय कृपा से जोड़ती हैं। तो अभी हम आपको दिखाने का काम करेंगे और साथ ही कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी मिलाने का काम करेंगे, जानेंगे कि दरअसल इस सुंदर अवतार का यहाँ पर जो अवतरण है वो कब हुआ, और इसके बारे में जो गौ सेवक है उनसे भी बातचीत करेंगे। सारी सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और साथ ही उस बछड़े का भी दीदार करवाने वाले हैं जिसको लेकर यहाँ पर लोगों की चहलकदमी बनी हुई है। तो आइए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, अब लोगों को रूबरू करवाते हैं उस बछड़े से। तो आइए दोस्तों हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और दिखाते हैं कि वह गाय कैसी है और किस नस्ल की गाय है जिसने ऐसे अजीबो गरीब बछड़े को जना है। और साथ ही जो गौ सेवक हैं यानी कि जो गाय के मालिक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे। दरअसल इस जन्म के बाद जो यहाँ पर लोगों की चहलकदमी बनी हुई है, जो लोग बाग दूर दराज से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, इनको कैसा लग रहा है और जो इनके सोचने का नज़रिया है वह है कैसा। तो आइए हम मिलाते हैं इनसे, बातचीत करते हैं कि दरअसल या किस नज़रिए से देखते हैं या किस नज़रिए सोचते हैं। तो क्या शुभ नाम हुआ भैया आपका? सनीपाल राम नरेश, मेरे पिताजी का नाम है जी। ये सनीपाल जी हैं और इस गाय के मालिक हैं, आप ऑनर हैं ना? हाँ नहीं। कब से ये गाय जो है आपके घर में है? ये हमारे गाय से आज साल 12-13 महीना हो गया। हमारे 12 या 13 महीने। तो आपने खरीदी थी या फिर घर में? नहीं, खरीद के लाया था मैंने। कितने में खरीदा था आपको? इसको मैं 10,000 में खरीद के लाया था। 10,000 में। और बता दें कि इस बछड़े के जन्म के बाद इस गाय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, अजीबो गरीब परिवर्तन, वो भी अभी आप हमारे साथ सुनेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले जो है जो गाय का जो मतलब रीत रवैया था, जो इसका रिएक्शन था आम लोगों के प्रति, आपके प्रति, वो कैसा था? ये जितने लोग हैं गाय के पास नहीं खड़े हो पाते थे। आप भी नहीं? हम चारा देते थे हम। तो आपको पहचानती थी? हमको पहचानती। आम लोग नहीं जा सकते? आम लोग नहीं। मैं जितना नजदीक खड़ा हूँ मैं नहीं जा सकता। आप भी नहीं? मार देती थी? मार देती थी। बछड़े का जन्म कब हुआ? 25 तारीख को 8 बजे सुबह हुआ था। इसी 25 मई को? इसी 25 मई 25 मई 2023 को। हाँ। 25 मई 2023 को एक अजीबो गरीब बछड़े का जन्म होता है। और बता दें कि उस बछड़े के यानी कि डबल नाक है, डबल मुंह है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो चार नेत्र हैं। दो नेत्र हैं वो बिल्कुल ठीक मथे पर है। तो इस बछड़े के जन्म के बाद अब लोगों का रिएक्शन आपके प्रति, आपके गांव के प्रति, आपके परिवार के प्रति और इस समाज के प्रति क्या पड़ा है? अच्छा लग रहा है, सब समाज वाले बहुत दूर दूर से आते हैं, देखते हैं, दान दक्षिणा सब देते हैं जी, बोलते हैं नंदी बाबा पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। और अभी तक जो लोगों का रिएक्शन है वो कैसा जो है आपके प्रति
आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बहुत दूर दूर से ऑफर आ रहा है, सब कुछ के लिए ऑफर आ रहा है, फोन अच्छा, आ रहा है, बहुत फोन आ रहा है, कभी फोन भी नहीं आता था। अच्छा अच्छा, अब बहुत फोन आ रहा है, बहुत फोन, यानी कि आप फेमस हो चुके हैं। हाँ, फेमस हैं, काफी लोग बाग जानने लगे। हाँ, काफी। कौन सी नस्ल की गाय है आपकी? फिजिशियन है। अच्छा, तो इससे पहले आपने इसको 10,000 में खरीदा? खरीद के लाए थे। ठीक है, इससे पहले भी आपने गाय पाली थी या फिर पहली बार आपने? पालते सनातन चली आए गाय भैंस पालने के लिए, पालने यानी कि एक रिवाज ही है, रिवाज ही है घर में। तो अभी जिस तरह से अभी जो माहौल बना है आपके घर में, इस गाय ने ऐसे अजीबोगरीब बछड़े को जन्म दिया है, इसके बाद से मतलब गाय की जो कीमत है उसमें कुछ इजाफा आया है या फिर लोग बाग कहीं ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये गाय अब हमें दे दीजिए? बहुत लोग कह रहे हैं हमें दे दीजिए अब। अच्छा, यानी कीमत लगने लगी है? लगने लगी। अभी तक कितनी कीमत लग चुकी है? 1.5 लाख लग चुकी है। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख। और 10,000 में आपने खरीदा? 10,000 में खरीदे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और बता दें कि जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक इस गाय की कीमत 10,000 थी जब हमने खरीदा, तो तब से लेकर अब तक, और काफ़ी उम्र दराज भी है, और अभी इस बछड़े के जन्म के बाद जो गाय की कीमत है उसमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई है, अभी 1.5 लाख तक जो है इसकी कीमत लग चुकी है। निरंतर लोग बाग जो है कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बताएं आप कि इस बछड़े को जन्म के लेकर जो है आप इसको प्राकृतिक का एक अनोखा माल्य की आविष्कार मान रहे हो या प्राकृतिक का अनोखा करिश्मा मान रहे हो या कुदरत का करिश्मा या फिर ईश्वरीय कृपा मान रहे, क्या सोचते हैं आप? ईश्वरीय कृपा है। ईश्वरीय कृपा। तो ईश्वरीय कृपा में ऐसे कौन से देवी या देवता हैं जिनको इस बछड़े की आस्था से जोड़ा जा सकता है? नंदी बाबा के आश्रय जोड़ा जाता है, जैसे शंकर जी की सवारी है नंदी बाबा जी, वो इसी तरह जोड़ा जाता है। नंदी बाबा जी, नंदी बाबा। चलिए ठीक है। और नंदी, जैसा कि आपने शिव महापुराण या फिर तमाम धार्मिक पौराणिक जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और टीवी में भी आपने धारावाहिकों में सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भगवान शिव की जो सवारी हुआ करती थी वो नंदी की हुआ करती थी, और नंदी भगवान शिव की सवारी ही नहीं साथ ही माँ पार्वती के रक्षक हुआ करते थे। और ठीक उसी तरह से, और बता दें कि बछड़े का जन्म हुआ है, बछड़े के 4 नेत्र हैं, वहीं पर अगर ये जो बछड़ा जन्म लिया है अगर ये फीमेल होती तो लोगों की आस्थाएं लोगों की भावनाएं इतनी ज़्यादा ना जुड़ती, लेकिन बिल्कुल ठीक बछड़े को जन्म दिया है गाय ने, इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी कौतूहल बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे निरंतर लोगों की जो चहलकदमी, लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बनी रहती है, और जब से इस बछड़े का जन्म हुआ है तब से लोग बाग निरंतर यहाँ पर आ जा रहे हैं। अभी तक कितनी दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर? दूर दूर से आदमी आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। एक लोग कल आए थे, मथुरा से आए थे देखने। मथुरा से चलकर आए थे? और भाई सब देखते हैं, आते हैं, देखते चले जाते हैं, बहुत दूर से, शायद पूरा हमारे जितना है कौशाम्बी जिले से आ चुके हैं आदमी देखते। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले आपका जो मतलब माहौल था आपके घर का या आपका माहौल कैसा था? जब से 25-23 पैदा हुए तो से अच्छा माहौल चल रहा है हमारे घर में। हाँ। इससे पहले कभी लोग इतना रिस्पेक्ट आपको करते नहीं थे? कभी नहीं करते थे। नहीं, इस बछड़े के जो जानते थे वो करते थे, नहीं इसके अलावा नहीं करते थे। नहीं करते थे। तो अभी लोगों को जब आमतौर पर जो लोगों को जो नहीं जानते वो भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप उनका नादर करें या फिर आप ऐसा कतराएं कि नहीं इससे पहले आप हमें नहीं पहचानते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका रिएक्शन क्या होता है? अच्छा है, जो आएगा हमारे दरवाजे अच्छा है, सेवा भाव, सेवा भाव जो हमारे लिए है वो सब अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है। बता दें कि इस अजीबो गरीब बछड़े को देखने के लिए यहाँ पर लोगों को हुजूम लगता है, लोगों को तांता लगता है, दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर आते हैं। तो ये अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक फ़कीर जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा 2 शब्द बातचीत कर लेते हैं। दरअसल ये भी देखने आए हैं, इनको देखने के बाद कैसा लग रहा है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? अच्छा लग रहा देखने। कहाँ से आए हैं आप? हम कड़े मानिकपुर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कड़े मानिकपुर से। शुभ नाम क्या हुआ आपका? महबूब। तो आप देखने आए हैं? देखने के लिए, अब हमें मालूम नहीं था, हम चले आए, दिखा गया। अच्छा। अल्लाह की मर्जी। तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? भगवान का रूप है ये, भगवान का रूप है। हाँ। इसके पहले जैसा कि आप देखते हैं कि अगर मुस्लिम पंथ की बात करें तो आमतौर गौ सी वगैरह हुआ करती थी, गौमांस जो है बीफ वगैरह खाया करते थे, तो अभी यह नज़ारा देखने के बाद आप मुस्लिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे ये देखना चाहिए थी, भगवान नहीं खाना चाहिए और क्या, ये सब चीज़ों को। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? हमारे मन में विचार यही थी, सभी चीज़ों गलत है, ये भगवान का रूप है। फ़कीर हैं आप? फ़कीर है, असली फ़कीर है। तो अभी तक जो हो रहा था कॉक्सी वगैरह, तो अब इस बछड़े के जन्म के बाद आपके विचार में परिवर्तन आया या फिर नहीं? सही आया ये विचार, परिवर्तन आया है। हाँ आया है।
ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप। जिंदगी में पहली बार हम देखा इसको, जिंदगी में पहली बार, इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। दादाजी आप क्या मतलब क्या सोच रहे हैं इस बछड़े को लेकर? अरे हम का सोच रहे हैं, जो दुनिया सोचत सोचित बहुत का। आपके विचार नहीं है? कुछ नहीं, अलग से विचार नहीं आपके? कुछ नहीं, अभी का विचार है कुछ नहीं। मैं तो भगवान का रूप नहीं मानता। अरे नहीं मानते, जब दिखा आँखी वही मानी। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते? हम जब देख रहे हैं वही मानना, बहुत का मानना है, कोई शक्ति है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसी गांव के जो है नागरिक हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या शुभ नाम हो भैया? नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू सिंह जी। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ इसी गांव के निवासी हैं। इस अजीबो गरीब जन्म के बाद आपके मन में जो विचार है वो व्यक्त करें दर्शकों के साथ। हमारे मन में यही विचार है कि गौ माँ के सम्मान अब बढ़ेगा, लोग अब ऊपर वाले का करिश्मा देख लिए। अगर यही जो अभी आप बोल रहे थे कि अगर यही बछिया के रूप में जन्म लेता तो लोगों के मन में भावना ना आती। लेकिन नंदी की जो कहानी सुन रहे थे, आज नंदी को प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैसेज था। हाँ। क्योंकि गौ पालन पर उनका ज्यादा फोकस था। जी जी हाँ जी। इसलिए उनसे भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस गरीब के घर में जन्म हुआ है नंदी बाबा के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं भी आ सकते हैं तो कोई अच्छा मैसेज तो टीवी में दे सकते हैं। जी जी आप लोग के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आप मुख्यमंत्री से यही करना चाहते हैं, पहला तो मुख्यमंत्री जो चालू किया गौ माता के लिए, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी संदेश जाएगा, इस पर बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही गौ माता के भक्त हैं, इसके लिए खुद ही बहुत अच्छा मैसेज देंगे। अच्छा जब से इस बछड़े का जन्म हुआ है आपके गाँव में, हाँ, तो पहले के माहौल में और आज के माहौल में कितना परिवर्तन देखने को मिला? बहुत परिवर्तन हुआ, गांव में लग्न जागी है, लग्न जागी, गौ माता की कदर बढ़ी है, दूर दराज से चलकर लोग बाग आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म हुआ है, मैसेज यही माननीय मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, कम से कम इनकी सेवा के लिए उस गरीब को तो कुछ करें उद्धार, ऐसे गाँव का नाम भी रोशन होगा। अच्छा अच्छा क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब। हाँ भाई खरीदते थे, रखते थे, बेच देते थे, एक छोटा सा व्यवसाय था। कितनी दूर दूर से चलकर लोग बाग अभी तक आए यहाँ पर? सर यहाँ को स्वामी भी आ चुके हैं, कुछ एमपी से भी आपके आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से भी, मथुरा से भी आ रहा है मैसेज, कोई खरीदने के लिए बोल रहा है। अच्छा अच्छा लेकिन हम अगर इसको बेच देंगे तो हमारे गाँव का भी नाम तो खत्म हो जाएगा जी। लोग बाग तो यही कहेंगे उस गाँव में टूट जाएगी। हाँ कि उस गाँव में श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी जी, इसलिए। हाँ क्योंकि अगर ये बछड़ा यहाँ से चला गया तो पूरा गाँव का हमारे सम्मान चला गया। इससे पहले ऐसा करिश्मा आपने कभी देखा था? नहीं ऐसा कभी नहीं देखा था। किस नजरिए से देख रहे हैं आप भी? हम लोग तो वही शंकर जी के सवारी के नजरिए से देख रहे हैं। आपके अंदर का जो हर्षोल्लास है वो तो आदि शक्ति की रक्षा करते थे, तो पूरा गांव के क्या पूरे प्रदेश पूरे देश के हमारी रक्षा करें। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, एक बहन जी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी क्या इस बछड़े का जन्म आपके ही घर में हुआ? हाँ हाँ ये मेरे भाई रखते हैं ना, वे गाँव पालन करते वही। तो आपके भाई हैं? हाँ ये मेरे भाई के। तो क्या जब से बछड़े का जन्म हुआ आपने सुना तब से आपने यहाँ पे डेरा डाली है या फिर पहले से रहे? नहीं पहले से थे यहाँ पे, पहले से थे घर में शादी। आप इस जन्म को लेकर क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वरी कृपा मानते हैं या फिर कुदरत का करिश्मा? ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी कृपा, ईश्वरी कृपा। पहले कभी नहीं देखे। पहले में और आज में आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कुछ परिवर्तन आया? बहुत अच्छा चल रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा सब। कितनी दूर से चलकर लोग बाग यहाँ पर? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अभी मेरे ननिहाल से आए हैं। अच्छा, मेरे मामा के लड़के लोग भी आए हैं सब। अच्छा हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? और आमतौर पर आप देखा करती थी गौ सी वगैरह बहुत हुआ करती थी या फिर निर्मम हत्या की जाती थी गौओं की, तो अभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इसमें हर कैटेगरी के लोग देख रहे हैं, हिंदू भी देख रहे हैं, मुस्लिम भी देख रहे हैं, सिख ईसाई सभी, लेकिन सभी देख रहे हैं, तो अभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही है कि गौ पालन करें, उसका अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से अपने घर में रखें, गौ माता कहलाती हैं, उनका इस अनादर नहीं करना चाहिए। ये विचार सिर्फ इस बछड़े के जन्म के बाद आपके अंदर है या पहले से? पहले से ही थे, हमारे ससुराल में पहले गाय को खाना दिया जाता फिर घर में खाया जाता है। आज भी? आज भी मेरे ससुराल में यही चल रहा है, पहले गौ खाना निकालने के बाद मतलब खाना घर में खाते हैं। हिंदू धर्म में बता दे दोस्तों की बहुत बड़ी मान्यता है और मान्यता इस बात को लेकर होती है कि आज भी ऐसे घर हैं जो मतलब कि भोजन बनता है उसके बाद जो है सबसे पहले गौ को भोजन दिया जाता है, उसके बाद जो है लोग भोजन करते हैं, यानी कि गौओं के प्रति काफ़ी आस्थाएं और काफ़ी भावनाएं रखते हैं लोग यहाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सिपाहीलाल यादव। सिपाहीलाल यादव जी, अरे सिपाहीलाल यादव जी, सबसे पहले तो आप लोग ही ज़्यादातर
जो यानी कि आप लोगों को ग्वाल बोला जाता है, ग्वाला है ना, तो गौ ज़्यादातर आप लोग पालन करते हैं। ये जो अजीबो गरीब कारनामा आप इस वक्त देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसकी कमाई बहुत बड़ी है, कथा भी बड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ जो है इस डिपार्ट में अगर सूखा पड़ जाता था तो यहाँ एक फटाहू वीर बाबा नाम के शंकर जी का स्थान है। ठीक है, तो हम लोग गांव में चंदा करके यहाँ कीर्तन भजन करते हैं। अच्छा अच्छा तो अगर सूखा पड़ गया, कीर्तन भजन यहाँ होगा तो पानी बरसता है निश्चित। बरसता है? बरसता है, सूखा काल पड़ गया तो वहाँ पूजा। हाँ हाँ, ये पक्का है, बेमौसम बरसात। हाँ हाँ, इसको मैं लिखित कर सकता हूँ। गुड, ठीक है। अगर सरकार इसकी लिखित मांगती है तो हम लिखित कर सकता हूँ। इधर गांव बस्ती से पूछ लिया जाए, अगर ये बात झूठ निकलेगी तो हमको सजा दिया जाए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही दोस्तों। बता दें कि जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इससे पहले ही हमारे गांव में करिश्मा हो चुका है। जैसा कि इनके गाँव में सूखा या अकाल पड़ जाता था तो यहीं पर एक कोई मंदिर है, जैसे कि इन्होंने बताया, अभी आपने सुना, फटाहू वीर बाबा नाम का एक स्थान है। वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा मौजूद है, भगवान शिव का जो है स्थान है, वहाँ पर ये लोग जो है भजन कीर्तन यानी पूजा पाठ वगैरह किया करते। तो यहाँ पर बेमौसम बरसात हुआ करती थी, इनकी समस्या का निदान हुआ करता था, है ना। हाँ। तो कहीं भगवान शिव ने ही तो नहीं भेजा इनको? हाँ, उन्हीं की जो है ये माया है, उन्हीं ने ऐसा चमत्कार किया। हमारा ये कहना है कि जितना हो सके जहाँ जहाँ मतलब ये सवाल पहुंच जाए या इनकी सीन पहुंच जाए, जो खबर सुने, तो हो सकता है हमारे तरफ से कहना है कि आकर इनका दर्शन करें, यही धन्यवाद है। आप इनको ईश्वर की कृपा मान रहे हैं या फिर ऐसे ही मान रहे हैं आमतौर पर? एकदम ईश्वर की कृपा पूरा पूरा मानते हैं, इसमें इधर उधर की बात नहीं। मतलब आत्मा से ईश्वर सही सही है, जिसको दर्शन करना है कर लें, नहीं करना है कोई बात नहीं। बहुत सुंदर दोस्तों, आप लोगों ने सुना। और बता दें कि आज इस अजीबो गरीब तस्वीर को कैप्चर करने के लिए हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जलालपुर भर्ती गांव में मौजूद हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि एक अजीबो गरीब बछड़े ने जन्म लिया है। इनके जन्म के बाद यहां पर दूर दराज से चलकर लोगों का आवागमन शुरू है और लोग बाग यहाँ पर चल कर आ रहे हैं और निरंतर जो अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसा है वह अजीबो गरीब बछड़ा और कैसे हैं यहाँ के लोग और लोगों की जो आस्थाएँ, लोगों जो किस कदर यहाँ पर जुड़ी हुई है कि आप लोगों ने तस्वीरों में देखा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए। इस तरह के बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।